हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 4 के विषय पर्यावरण के पाठ भोजन और हमारा शरीर के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे की कुछ बातें बताऊंगी। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु, सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह भोजन कैसा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। तो चलिए मैं कुछ और बातें आज आपको बताऊं। बच्चों, जब आप और हम मार्केट जाते हैं या बाजार जाते हैं तो अनायासा ही हमारी नजर चिप्स और केक के ऊपर या पैकेट बंद चीजों के ऊपर चली ही जाती है, जिन्हें खाने से हम अपने आप को नहीं रोक पाते। बच्चों की सबसे फेवरेट मैगी तो सबसे पहले आती है। तो बच्चों, प्रायः देखा जाता है कि इन पैकेट बंद वस्तुओं का या खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारा और आपका तबियत खराब हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि तबियत खराब होने का क्या कारण है। तो बच्चों, जब भी पैकेट बंद कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है, एक समय सीमा लिखी होती है तथा उस पदार्थ के बने होने का तारीख भी लिखा होता है और उस खाद्य पदार्थ को किस समय सीमा तक हम उपयोग कर सकते हैं वह भी लिखा होता है। तो जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं और उसके समय सीमा के उपरांत उसका हम प्रयोग करते हैं तो उसको हमारे तबियत खराब होने का कारण बन जाता है। अतः जब भी हमें कोई पैकेट बंद सामान खरीदना है तो सर्वप्रथम हमें उसे उसके बने हुए डेट का ख्याल रखना है और किस समय सीमा के अंदर उसको हमें उपयोग कर लेना है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। बच्चों, आप जानते हो कि इस पूरे संसार में अनेकों तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। छोटे से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव। छोटा जीव एक मच्छर भी है और एक बड़ा सा हाथी भी है। परंतु हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भी जीव है, जो भी सजीव है, उसे जीवित रखने के लिए, रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वह जितना भी छोटा हो परंतु उसे भोजन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और जो जितना भी बड़ा हो उसे तो और ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु मनुष्य का हो शरीर हो चाहे किसी जीव जंतु का हो, उसका पाचन तंत्र, उसका भोजन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है और अपने भोजन के, अपने शरीर के बनावट के अनुसार वह अपना भोजन ग्रहण करता है। तो चलिए आज हम कुछ जीव जंतुओं के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको मच्छर और मधुमक्खी के बारे में बताऊंगी। मच्छर और मधुमक्खी प्रायः ही, और तितली हमारे आसपास प्रायः ही देखने को हमें मिल जाती है। ये जीव देखने में इतने छोटे होते हैं तो कि आपके मन में अनायासा यह सवाल उठता है कि ये इतना छोटा सा जीव कैसे खाना खाता होगा। उसके छोटा सा जीव जो तितली हो चाहे मच्छर हो, उन लोगों के मुंह के सामने एक छोटा सा ट्यूब जैसा बना होता है, या ट्यूब जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक पाइप लेकर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये तितली और जो मच्छर होते हैं उनके लिए भगवान ने शुरू से ही एक ट्यूब दे रखा है। और ये ट्यूब वो क्या करते हैं, जो फूलों में तितली क्या करती है, फूलों में वो ट्यूब डालकर अपना रस चूसकर अपना पेट भरती है, मच्छर जो है खून पीता है, है ना। इसी तरीके से छोटे छोटे जीव जो है अलग अलग अपने शरीर के बनावट के अनुसार भोजन को ग्रहण करते हैं। मेंढक क्या करता है, मेंढक एक लंबी जीभ होती है जिससे वो अपने जीव जंतुओं को उसमें चिपका लेता है, चिपका के निकल जाता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है। और सांप क्या करता है, सांप मेंढक को खाता है, चूहा खाता है और उसे वो क्या करता है, सीधे तौर पर वो निगल जाता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम तो भोजन चबा चबा कर खाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ जीवों के बारे में आज बताऊं। देखिए, मैंने इस चार्ट में लिखा है मधुमक्खी क्या करती है, फूलों का रस चूसती है। कैसे खाती है, वो चूस कर खाती है। नेक्स्ट है टिड्डी, टिड्डी या टिड्डा, वह क्या करता है, घास खाता है। कैसे, चबाकर। मेंढक सांप और कीड़े मकोड़ों को खाता है। कैसे खाता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, मेंढक की एक लंबी जीभ होती है जिससे वो फेंक कर अपने कीड़े मकोड़ों या जो भी उसे खाना होता है उसमें वो चिपका लेता है और उसे वो अंदर निगल जाता है। सांप, सांप भी निगल कर खाता है। तोता, तोता फल खाता है और क्या खाता है, अनाज खाता है, उसके आसपास जो छोटे मोटे दाने पड़े होते हैं उसे वो खाकर अपना पेट भरता है। और बिल्ली, बिल्ली दूध खाती है और चूहा खाती है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और दूसरा केंचुआ, केंचुआ मिट्टी में बरसात के मौसम में प्रायः ही देखा जाता है, वह मिट्टी में घूमता है, अतः उसका भोजन मिट्टी में मिले सड़े गले पदार्थों को निगलना होता है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक काम दूंगी। मैंने आप लोगों को आज इतना सारे जीवों के बारे में बताया और वो जीव कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं इसके बारे में भी बताया। आज अब आपका काम रहेगा, मैं कुछ जीवों के नाम आपको दूंगी और आप अगले वीडियो में मुझे बताएंगे कि ये जीव क्या खाते हैं
और कैसे खाते हैं, वे हैं देखिए बत्तख, घोड़ा, बकरी और बाघ। इन चारों जीवों के बारे में आपको मुझे बताना है कि ये जीव कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं।